कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, ये ब्लॉग जो चालू हो रहा है ये 12 बजे से हो रहा है। आज मुझे काफ़ी काम करना था, ये जो ट्रॉली लगी हुई है इनको भी साफ़ करना है। जो बर्तन जमाते पूरे हम तो गंदी हो ही जाती हैं, तो मुझे पहले पता नहीं था कि इनको निकाल के धो सकते हैं। तो मेरे बेटे ने फिक्स वाली ना लगवा के निकालने वाली लगवाई हैं, तो इनको आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने सारी निकाल निकाल के बाहर रख दी हैं। अब बॉस एरिया में धोऊंगी आराम से बैठ के। और सब्जी रखी है बनने के लिए, मैंने रोटी नहीं बनी है, आटा लगा कर रख दिया है, क्योंकि आज सैटरडे है तो काफ़ी काम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। और हस्बैंड गए हैं थोड़ा काम से, तो वो आएंगे अभी दोपहर तक, तो वो खाना बना के मेरा रेडी हो जाएगा जब तक। और ये अंदर से भी कचरा निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं झाड़ू से निकाल रही थी। वैक्यूम क्लीनर रहता है तो जल्दी से निकल जाता है, बट ये झाड़ू से इधर उधर निकालने में हमें बहुत दिक्कत होती है। वैक्यूम क्लीनर रहता है तो जो धूल मिट्टी अंदर की रहती है तो वो सोख लेता है उसको, तो अंदर कचरा आ जाता है निकल के। बट क्या है, झाड़ू से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी साफ तो करना पड़ेगा क्योंकि सफाई भी ज़रूरी होती है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल ऑल टाइम सफाई आपने देखा होगा करती ही रहती हूँ। और किचन भी मुझे ऐसा लगता है मेरी हर चीज़ चमचमाना चाहिए, बाकी क्या होता है ये बड़े ही लोग गंदा कर देते हैं। देखिए मैं इतना घूमती हूँ फिर भी मोटी दिख रही हूँ, मेरे शोल्डर बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं। पहले से ही थे, मतलब बचपन में तो नहीं थे, बट शादी के बाद इंसान मोटा हो ही जाता है। और ये प्लेटफॉर्म मैंने बाहर बनवाया था बर्तन धोने के लिए, तो आज इसका यूज़ कर रही हूँ। बट वैसे बाहर नहीं बनवाना चाहिए प्लेटफॉर्म, मेरा मानना है, क्योंकि बैठने में जितनी आसानी से बर्तन धुलते हैं उतना खड़ा होकर नहीं धुलते। ज़्यादा क्वान्टिटी में बर्तन रहे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो शोर शराबा काफ़ी हो रहा था इसलिए। और यहाँ पर जो पीछे वाला घर था आप देख रहे हैं जहाँ बर्तन मांज रही, इसी में काम चल रहा है। देखिए फैन यहाँ पर कट रही है घास, और ये देखो ये पानी कौन ने फेंका, मुझे समझ में नहीं आई कौन फेंक रहा था यहाँ पे। जंगली जानवर और काट दबे की उत्ती ज्यादा वो फैलेगी, बताइए अंदर दबाव से अभी घनी होगी दबाव से। उधर तो लगा ही नहीं ना, वहाँ देखो ना तुम। काम जरा सा करता चिल्लत और बहुत करता है, और माँ करती तो कोई कुछ नहीं है। हाँ दिन भर लगे रहो, अभी पूरा किचन फैला रहा पूरा हुआ है, इसको पूरा साफ करना है मुझे। देखिए पूरा फैला रहा पूरा है, ये थोड़ा सूख गई थी तो इसमें मैंने जमा दिया है। धो दी थी ट्रॉली तो वो सूख चुकी है, तो अब उसमें बर्तन जमा देती हूँ। बर्तन पड़े हुए थे यहाँ पर भी, वॉइस ओवर करना पड़ रही है, आप खुद देख रहे हैं कैसे आवाज़ आ रही है मशीनों की। तो ये अच्छा रहा, आसानी से निकल के धुल गई, साफ़ हो गई है तो बहुत बढ़िया रहा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि कपड़े से उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती है। लेडीज़ कितना भी कर ले पर कोई बोलने वाला नहीं है कि इतना करती हैं, उन लोगों को कमी दिखता है। आपने देखा होगा मैं कितनी मेहनत करती हूँ, हमेशा सफाई करती रहती हूँ घर में। और पोछा भी मेरा ओनली गुरुवार को नहीं लगता, बाकी ऑल टाइम मैं पोछा लगाती हूँ, मतलब 7 दिन बराबर पोछा लगाती हूँ मैं। एक ही दिन मुझे छुट्टी मिलती है पोछे से, वो भी गुरुवार रहता है, इसलिए हम लोग लगाते नहीं हैं। गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, वैसे भी मैं फास्ट रखती थी इसलिए वैसे भी नहीं लगाती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो यदि मेरा आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।